क्वीन एलिजाबेथ सेकंड 2017 में, इसको 65 साल हो चुके हैं राज करते हुए इंग्लैंड में। 94 साल की ये खुद है। ये दुनिया की मोस्ट विजिबल और सिंबॉलिक फिगर्स में आती हैं, लेकिन इतना फेमस होने का भी इन्होंने काफ़ी बार खामियाजा चुकाना पड़ा है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार इन पर अटैक हुए, चार बार इनकी जान लेने की कोशिश की गई है, और एक बार तो उनमें से एक इंडियन था, 19 साल का इंडियन लड़का, जिसने क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की जान लेने की कोशिश की है। चौथा अटेम्प्ट उसका ही था। उससे पहले इस पर कई बार ओपन फायरिंग हुई है, ट्रेन में इसकी जान लेने की कोशिश की गई है, लोग ओपन इसके बेडरूम में भी घुस गए हैं, इसके पर्सनल गार्ड्स ने भी इस पर गोली चलाने की कोशिश की है। इतने अटेम्प्ट इस पर हुए हैं, लेकिन इंडियन लड़के ने इसकी जान लेने की कोशिश क्यों की? इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं सोशल टॉक्स बाय गौरव। अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बिना समय गवाए शुरू करता हूं मैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों होता क्या है, 2019 की क्रिसमस ईव थी और साउथ ईस्ट इंग्लैंड में एक कैसल है, विंडसर कैसल जगह है, ये किला है, वहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ क्रिसमस मना रही थी। बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी थी। हुआ क्या, जसवंत सिंह चहल एक 19 साल का इंडियन लड़का है, नाम से ही आपको पता चल गया होगा, जसवंत सिंह चहल इंडियन नेम है। इसने क्या किया, अटैक से 24 मिनट पहले स्नैपचैट पर एक वीडियो पोस्ट कर दिया। Old man who's alleged to have posted this very disturbing video just before the arrest was made in the grounds of Windsor Castle. और वो वीडियो देखते ही देखते काफी वायरल हो गया। 24 मिनट के बाद इसको अरेस्ट कर लिया गया। इसने किया क्या, विंडसर कैसल जहां पर क्वीन एलिजाबेथ सेकंड क्रिसमस ईव मना रही थी, उस कैसल की फेंसिंग कूद गया ये, और इसके पास एक क्रॉसबो था। क्रॉसबो एक वेपन होता है, इस तरह का वेपन दिखाई देता है, उस वेपन के साथ ही इसने उसकी फेंस को टाप दिया, कूद गया, हमारे यहाँ बोलते हैं टाप दिया, कूद गया, और इसने क्वीन एलिजाबेथ की जान लेने की कोशिश की। हालांकि फेंस कूदते इसको अरेस्ट कर लिया गया, और इससे क्वीन एलिजाबेथ 500 मीटर दूर थी, तुरंत इसको अरेस्ट कर लिया गया। जब इससे पूछा गया कि तूने ऐसा क्यों किया, तो इसने कहा कि मैं जलियांवाला बाग का बदला ले रहा हूँ। आपको याद होगा पंजाब में जलियांवाला बाग में कैसी हालत हमारे देश के लोगों की गई थी, जनरल डायर ने उन पर ओपन फायरिंग कर दी थी और लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी, कोई कुएं में कूद के मर गया था, कोई गोली लगने की वजह से मर गया था। तो जसवंत सिंह चहल का ये कहना है कि ये जलियांवाला बाग का एक बदला होता। अब अरेस्ट के बाद जसवंत सिंह चहल के पिता ने कहा कि मेरा बच्चा मेंटल इश्यूज से गुजर रहा है, उसके मेंटल प्रॉब्लम्स है, वो भी ठीक नहीं है, मेंटल इश्यूज से वो गुजर रहा है। जब जसवंत सिंह चहल के दोस्तों से पता किया गया, दोस्तों से पूछताछ की गई, तो उनके दोस्तों ने बताया कि जसवंत सिंह चहल काफ़ी होनहार बच्चा है और सेकेंडरी स्कूल्स में भी उसने अच्छे मार्क्स लिए, उसके टीचर्स ने भी उसकी तारीफ की। तो बच्चों ने कहा हमारे साथ या ना ही हमने कभी ऐसा देखा कि उसके कभी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो या उसके मेंटल हेल्थ इश्यूज हो। अब सामने ये आ रहा है कि जसवंत सिंह चहल ने लॉकडाउन में अपने देश के इतिहास को जानने की कोशिश की, और हो सकता है उसने उस इतिहास में ये देखा हो कि अंग्रेजों ने हमारे देश के साथ और हमारे देश के लोगों के साथ कैसे डिस्क्रिमिनेशन किया है, कैसे हमारे देश के लोगों पर अत्याचार किए हैं, और वो जुनून जसवंत सिंह चहल के सिर पर सवार हो गया और उसी जुनून के साथ उसने क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की जान लेने की कोशिश की। उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद उसकी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई, वो कहाँ है, उसके साथ क्या किया गया, अब तक किसी को कुछ नहीं पता। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाइए। जल्दी मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।